नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री। वृश्चिक लगन के अंदर शनिदेव का फल, आठ लगन में पहले भाव में आठ, तो आप समझ लीजिए वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली हुई। अब बारह भाव होते हैं, शनिदेव बारह भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। बारह भाव में उनका कैसा रिजल्ट रहेगा यही आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, वृश्चिक लगन के जो स्वामी होते हैं मंगल देव और शनिदेव में आपस में मित्रता नहीं होती, एक दूसरे को सम समझते हैं। बहुत से लोग शनिदेव को वृश्चिक लगन के अंदर मारक समझते हैं, बट उनको दो भाव मिले हैं, एक तीसरा जो परिक्रम और परिश्रम का भाव होता है, और चौथा जो भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। तो इस वजह से वो सम हुए। उनका प्लेसमेंट देखना जरूरी होगा, अगर उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ तो आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शनिदेव को दो, क्योंकि उनकी एक मकर राशि और एक कुंभ, यानी उनको तीसरा और चौथा दो भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव यहां पे। और जो चौथा भाव है जिसमें तमाम भौतिक सुख, मकान वाहन, ये तमाम सुख देखने को मिलते हैं, इसलिए शनिदेव का अगर प्लेसमेंट हुआ तो आपको इस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, शनिदेव परिश्रम के कारक है, काम के कारक है, गहरी खोज के कारक है, नौकरी के कारक है, नौकर के कारक है, एकांत के कारक है, दुख के कारक है, बीमारी के कारक है। ये जरूरी नहीं कि अगर शनिदेव कुंडली के अंदर हमेशा नकारात्मक फल देते हैं। शनिदेव एक ऐसा ग्रह है वो थोड़ा देरी करते हैं, पर अगर वो कुंडली के अंदर अच्छे हैं और आदमी के कर्म अच्छे हैं तो फिर वो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देते हैं। तो शनिदेव की तीन दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और दसवीं। यानी शनिदेव अगर यहां पे बैठे हैं तो एक, दो, तीन इस भाव को देखेंगे, सातवां और दसवां, यानी जहां जहां उनकी दृष्टि जाएगी उस भाव को देखेंगे, जहां बैठे हैं वहां पे देखेंगे, तो एक साथ साथ चार भाव को देखेंगे। लगन में बैठ के शनिदेव कैसे होंगे, तो मध्यम सुंदर, थोड़ा सांवला किस्म का, थोड़ा गहरा। किसी किसी कंडीशन के अंदर देखा गया है कि परिश्रम करने वाले थोड़ा सेपरेट टेंडेंसी, एकांत रहने वाले थोड़ी मेहनती, प्रगतिशील, स्पष्ट बोलने वाला आदमी, अच्छे मकान का सुख, अच्छा वाहन का सुख, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से तमाम सुख प्राप्त करने वाला होगा। दृष्टि जाएगी सातवीं, सातवें भाव के अंदर, हालांकि मित्र राशि है, थोड़ी कटपट होगा पर पत्नी का सुख मिलेगा, परिश्रम करने वाला होगा, और शनि के दशांतरदशा के अंदर अपनी मेहनत से नौकरी करने वाला या अपनी मेहनत से बिजनेस बढ़ाने वाला होगा। दूसरे भाव के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे, तो यहां पे मध्यम सुख मिलेगा, क्योंकि यहां पे वो अपनी मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि के अंदर है। तो कुटुंब से खटपट जरूर रहेगी, पर बहुत परिश्रम करके तब धन की प्राप्ति होगी, और जो पैसा होगा वो शनि की दशा अंतरदशा के अंदर अपने कुटुंब के ऊपर भी खर्चा करेंगे। जो वाणी होगी वो स्पष्ट होगी, स्पष्ट वाणी से, स्पष्ट वाणी को बोलने वाले होंगे, और शनि की दशांतर दशा के अंदर बहुत मेहनत करके तब जाके भौतिक सुख की प्राप्ति, मकान का सुख, वाहन का सुख, इस तरह का सुख होगा। आठवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवें भाव पे, तो दीर्घायु होगी, जातक की बहुत अच्छी आयु होगी। और तीसरी दृष्टि मकान वाहन पे, तो मकान वाहन का सुख और जातक को लाभ भी मिलेगा शनि की दशांतर दशा के अंदर। शनिदेव अपनी खुद की राशि के अंदर तीसरे भाव के अंदर तो कैसा रिजल्ट देंगे, तो अच्छा देंगे। यहां पे वो कारक भी हो गए अपने खुद की राशि में, हालांकि यहां पे मेहनत बहुत कराएंगे इनिशियल स्टेज में, जिंदगी में संघर्ष भी देखा गया है। मानसिक संतुलन बहुत अच्छा, यानी जो मानसिक संतुलन होगा वो बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छा, बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके तब जाके भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। 36 साल के बाद भाग्य उदय होगा, बड़ा धैर्य से, धैर्यवान, संस्कारी, निरोगी और धीरे धीरे प्रगति करके, मेहनत करके मकान का सुख प्राप्त करने वाला 36 साल के बाद भाग्य उदय करने वाला होगा। पिता से प्रेम और गुरुजनों को भी मान सम्मान करने वाला, और शनि की दशा अंतरदशा के अंदर जातक को विदेश में जाना, 7, 8, 9, 10 विदेश में सेटलमेंट होने का भी योग दर्शाता है। शनि अपनी खुद की राशि में चौथे भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहां पे वो केंद्र में बैठ के कुंभ राशि के अंदर, अपनी खुद की राशि के अंदर, स्वयं राशि के अंदर, केंद्र में चौथे भाव के अंदर बैठ के सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। जातक अपनी मेहनत से
अपने धैर्य से जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करता है। धीरे धीरे मकान का सुख, वाहन का सुख, जातक के पास नौकर सुख, और जातक को शनि की दशा अंतरदशा के अंदर जातक बिजनेस को बढ़ाने वाला, ऑब्स्टेकल के ऊपर कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने वाला हो। जातक भी बहुत संस्कारी, नसीबदार और समझदार, अपनी बुद्धि और निर्णय से काम लेके तमाम सुख प्राप्त करने वाला और बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला या नौकरी में भी अच्छा पद प्राप्त करने वाला। यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनिदेव पांचवें भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे? तो यहाँ पे इंजीनियरिंग अगर जातक करें, इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के क्षेत्र में जाएगा तो जातक को काफी अच्छा फायदा होगा। पहली लड़की होने का योग दर्शाता है। यहाँ पे अपनी इष्ट देव की अगर पूजा करें तो जातक को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बड़े भाई बहनों से जातक को प्यार होगा और शनि की दशा अंतर दशा के अंदर जातक को लाभ होगा। बट यहाँ पे गुरुदेव की भी कंडीशन देखनी जरूरी होगी। यहाँ पे शनिदेव मिले जुले फल देगा, यहाँ पे हमें गुरुदेव की कंडीशन देखनी जरूरी है। अगर गुरुदेव अच्छे हुए तो संतान सुख, संतान की तरफ से बहुत अच्छा, संतान के बाद भाग्य उदय, संतान की शिक्षा अच्छी, संतान नसीबदार और बड़े भाई बहनों से पैदा और इच्छा पूर्ति जातक की पूरी होती है। पत्नी का सुख, पत्नी से हालांकि मनमुटाव पर पत्नी सुख, और धन का भी सुख मिलता है, कुटुंब का भी सुख मिलता है। बट अगर गुरुदेव की कंडीशन अच्छी नहीं रही फिर इसका उल्टा हो जाएगा। संतान की तरफ से दिक्कत होगी, संतान की चिंता रहेगी, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े रह सकते हैं और धन का भी अभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें गुरुदेव की भी कंडीशन देखने को देखनी पड़ेगी। शनिदेव छठे भाव के अंदर कारक होते हैं, बट यहाँ पे ये त्रिक भाव है और यहाँ पे वो नीच के भी हो गए, तो कैसा रिजल्ट देंगे? यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होगा, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, छोटे भाई बहनों से दुख देखा गया है, उनसे लड़ाई होगा और उनके लिए हमेशा टेंशन लेना, उनके साथ लड़ाई झगड़े होना, माता के साथ लड़ाई, जो भी मकान बना रहे हो तो उसमें दिक्कत, वाहन लेना चाहते हो तो उसमें दिक्कत, साथ साथ कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। ग्रुप शत्रु का भय है, गुप्त शत्रु का भय, शनि की दशा त्रयोदशी के अंदर जो ऋण लिया होगा उसकी किस्त देने में प्रॉब्लम, लंबी बीमारी हो सकती है। यहाँ पे शनि के थ्रू यानी लोहे से कोई चोट लगना, पैरों में सीधे पैर में चोट होने का योग भी दर्शाता है। तो इस तरह की चीजें देखने को जाएंगी। पैसे बहुत खर्च होंगे, आमदनी कम होगी, ऑब्स्टेकल बहुत सामना करेगा, एक दुर्घटना, एक बात खत्म नहीं होगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दुर्घटना का योग, बीमारी का योग। तो यहाँ पे शनिदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते, यहाँ पे बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिदेव अपने खुद की राशि के अंदर सातवें भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे? तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत, हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मनमुटाव होगा, बट अगर यहाँ पे शुक्रदेव की कंडीशन अच्छी हुई तो पत्नी का सुख मिलेगा, और अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला, और व्यापार की दृष्टि से भी अगर पार्टनरशिप करेंगे तो व्यापार में अच्छा, और तमाम मकान सुख, वाहन सुख, छोटे भाई बहनों से लाभ, ये तमाम सुख देखने को मिलेंगे। बट अगर शुक्रदेव यहाँ पे पीड़ित हुए तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत कष्ट होगा और विवाह टूट भी सकता है। शनिदेव आठवें भाव के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे? तो दीर्घायु होगी, जातक की आयु बहुत बड़ी होगी, आयु बहुत बड़ी, आयु अच्छी होगी, दीर्घायु होगी, पर जातक को ये भाव अच्छा नहीं है, मित्र राशि में है। जातक को कुटुंब से लड़ाई, थोड़ा धन का अभाव, थोड़ी बाधा भी देखी गई है जातक के जीवन में। एक परेशानी खत्म नहीं होगी, दूसरी परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। व्यापार दृष्टि से अच्छा नहीं, व्यापार में अप्स डाउन, इस तरह की दिक्कत देखी गई है। शनिदेव अपनी शत्रु राशि के अंदर नवम भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे? तो यहां पे अगर चंद्रदेव अच्छे हुए तो यहाँ पे जातक को अच्छा फल देंगे, 36 साल बाद जातक का भाग्य उदय होगा। हालांकि विवाह में थोड़ी सी देरी होगी जातक की, छोटे भाई बहनों से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमिटाव हो सकते हैं, पर उनसे प्यार करने वाले होंगे, पिता को भी प्यार करने वाले होंगे, गुरुजनों को मान सम्मान करने वाले, और जातक 36 साल के बाद जातक का भाग्य उदय होगा। बट यहाँ पे हमें चंद्र की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, नहीं तो चंद्र की कंडीशन अच्छी नहीं तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, लाभ की पूर्ति नहीं, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं, भाग्य भी जातक का साथ नहीं देगा। शनिदेव सिंह राशि के अंदर अपनी शत्रु राशि के अंदर, क्योंकि वो सम है,
इसलिए जिस राशि में बैठे हैं उस भाव की कंडीशन भी देखनी, उस भाव की कंडीशन देखनी भी बहुत जरूरी होगी, उसका प्लेसमेंट देखना भी जरूरी होगा। यहां पे भी यही होता है, अगर शनिदेव बहुत अच्छी कंडीशन में है, अगर शनिदेव की पोजिशन अच्छी है तो जातक पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा, और जातक, और अगर यहाँ पे मंगल बैठ गए या सूर्य भी बैठ गए तो जातक एक इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक, और जातक को करोड़पति भी देखा गया है। अगर शनि सूर्य यहाँ पे खुद की राशि में बैठ गए पर शनि यहाँ पे अस्त ना हो तो गवर्नमेंट नौकरी का योग, इंजीनियरिंग में बात काफी अच्छी सफलता, पॉलिटिक्स का योग और बहुत धन कमाने का योग बनता है। 11वें भाव के अंदर शनिदेव अपनी मित्र राशि के अंदर, तो भाई बहनों से फायदा कराएंगे, जातक की जो भी इच्छा पूर्ति होगी लाभ, उसमें हमेशा उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मित्रों से भी बहुत फायदा होगा, मित्रों से भी जातक को अच्छी एडवाइस मिलेगी, पहली पुत्री होने का योग बनता है, और जातक के बच्चे भी बहुत अच्छे, बच्चे भी नसीबदार, जातक की यारदास बहुत अच्छी, स्मरण शक्ति जातक की बहुत अच्छी, पढ़ाई में हल्की सी रुकावटें बट अपनी बुद्धि से, अपनी पढ़ाई से तमाम भौतिक सुख प्राप्त करने वाले, और जातक को छोटे भाई बहनों का भी अच्छा, छोटे भाई बहनों से भी अच्छा फायदा होता है, और यहाँ पे बड़ी बहन के भी योग बनते हैं। शनिदेव 12वें भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे, तो ये त्रिक भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पे जातक के खर्चे बहुत होंगे, आमदनी कम होगा, खर्चे ज्यादा होंगे, कोर्ट कचहरी में भी जातक को जाना पड़ सकता है, पर हाँ जातक को कोर्ट कचहरी में विजय होगा, नौकरों से जातक को फायदा, और अगर विदेश में चाहेंगे तो विदेश में भी जातक को सेटलमेंट हो जाएगा, विदेश विदेश की दृष्टि से। अच्छा तो दोस्तों मैंने आपको वृश्चिक लग्न में शनि का फल बताया। अगर शनिदेव अपनी बालावस्था मृतावस्था में है, यानी उनकी जो कंडीशन, उनका जो आंसर 0 से 3 या 28, 29, 30 वृद्धावस्था मृतावस्था में हुआ, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ना अच्छे फल देंगे ना वो बुरे फल देंगे। हर ग्रह अपनी किशोर अवस्था में ही अच्छे रिजल्ट देता है, पूर्ण किशोर अवस्था में ही अच्छे रिजल्ट देता है, और जो भी उनके फल होंगे वो आपको शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा में आपको प्राप्त होंगे। तो धन्यवाद मित्रों।